साथ निभाना साथिया में नहीं आएगी राशि बे नजर, रुचा हसनबिस नहीं होंगी शो का हिस्सा। साथ निभाना साथिया में रुचा के किरदार यानी राशि बेन को किया गया था काफी पसंद। रसोड़े में कौन था म्यूजिक वीडियो में भी राशि बेन का नाम रहा टॉप पर, लेकिन अब राशि नहीं होंगी साथ निभाना साथिया का हिस्सा। रुचा ने अपने एक इंटरव्यू में शो का हिस्सा ना बनने की वजह सामने रखी। पिछले साल रुचा ने बेबी गर्ल को दिया था जन्म और अपने मदरहुड को वो कर रही है काफी इंजॉय। वो अपनी बेटी के साथ करना चाहती है काफी ज्यादा टाइम स्पेंड। अपने इंटरव्यू में रुचा ने कहा, मैं साथ निभाना साथिया 2 का हिस्सा नहीं हूं, डेली सोप करना मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरी छोटी सी बेटी है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए डेली सोप करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। वहीं जब उन्हें पूछा गया कि क्या शो में वो कैमियो करती नजर आएंगी, जिस पर रुचा ने कहा, अभी तक मैं शो में कैमियो को लेकर कोई बात की नहीं गई है, इस वक्त मैं साथ निभाना साथिया की शूटिंग नहीं कर रही हूं। मैं अपने फैंस को शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने राशि के किरदार को इतना पसंद किया। साथ निभाना साथिया में लोग रुचा को जरूर करेंगे मिस, क्योंकि उनका किरदार रहा है काफी अनोखा। लेकिन शो में देवोलीना और रूपल पटेल यानी गोपी बहू और कोकिला बेन जरूर आएंगे नजर। इसी के साथ अहम का किरदार निभाते नजर आएंगे मोहम्मद नासिम। शो में इंटरेस्टिंग ये भी चीज है कि होने वाली है 2 न्यू एंट्रीज, जहां कार्तिक पूर्णिमा के हर्ष नागर और स्नेहा जैन आएंगे नजर, जो निभाती नजर आएंगी गहना का किरदार। अब राशि बेन का किरदार शो में होगा या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन होगा राशि की रुचा की जगह, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। क्या आप देखना चाहते हैं रुचा हस्बैंड इसको राशि बेन का किरदार निभाते हुए, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।